खेत पर काम करने वाला एक मजदूर गोपाल था जिसका नाम। कुसुमपुर के नदी के किनारे छोटा सा था उसका एक धाम। रोज की तरह उस दिन भी काम के बाद लौट रहा था अपने घर पे। अचानक ही उसकी नजर पड़ी रास्ते के किनारे पर। अरे ये क्या देख रहा हूँ, मोटी तगड़ी एक मुर्गी उलट पुलट कर खेल रही है। देख कर मुर्गी को उसने मन ही मन सोचा, पकड़ पाता इसको तो ले जाता अपने घर। अचानक से वो मुर्गी खुद ही आ गई उसके पास और आकर उससे बोली, पथिक भाई क्या उठा लोगे मुझे, दुख से कष्ट से कट रहे हैं, दिन भर कुछ खाया भी नहीं है। घर लौटकर मुर्गी को रखा बड़े जतन से। रात में कटोरी भरकर खाना लाकर बोला सोजा मुर्गी दाना खाकर, ये ले ज्वार चावल के टुकड़े कटोरी भर के लाया हूँ तेरे लिए, अभी मैं जाता हूँ, कल फिर से आता हूँ ठीक है। ये बोलकर गोपाल चला अपने घर पर। उसके बाद खा पी कर वो भी सो गया। अगले दिन भोर के वक्त मेघ के पीछे जैसे ही सूरज हंस कर उगे, वैसे ही ऊंची आवाज में बोल पड़ी गोपाल की वो मुर्गी। मुर्गी की आवाज सुनकर गोपाल की नींद ही टूट गई। उठकर गोपाल आया मुर्गी के पास, देखा कि वो तो अपने ही घर पर है बैठी। और कैसी हो तुम, कोई कष्ट तो नहीं है ना? अच्छी हूँ, सुखी हूँ, ये लो तुम्हारा उपहार। जैसे ही नजर गई मुर्गी के बगल में गोपाल रह गया सकपका कर। ये क्या कांड है, ये तो सोने का अंडा है, ये देख कर तो मेरी एक एक हड्डी हिल गई। रोशनी में घुमा फिरा कर देख रहा था बार बार। आनंद से खुश होकर गोपाल ने सोचा मन ही मन, आज से उसके सारे दुख हो गए दूर। ये सोच गोपाल खुशी मन से वापस लौट जाता है अपने कुटिया में। उस दिन से हर रोज सुबह मुर्गी देती थी एक सोने का अंडा। गोपाल का भी लालच बढ़ता ही जा रहा था। इसी लोभ के वश में आकर सोचा उसने मन में, ये मुर्गी भी अजीब है, एक से ज्यादा अंडे ही नहीं देती। आज जाऊंगा उसके पास, कहूंगा मुझे सारे अंडे चाहिए, सब अंडा मुझे दे दो, एक एक अंडा। जैसा सोचा वैसा ही किया, बिना सोचे बिगाड़ दिया काम। रात को दौड़ कर गया मुर्गी के पास, चिल्लाकर बोला, जितने भी अंडे तुम्हारे पेट के अंदर हैं, सब कल निकाल देना याद से, वरना मैं तुम्हारा पेट काट कर सारे अंडे ले लूंगा। सुनकर गोपाल की बात मुर्गी कांप गई। कहां से, आखिर कहां से लाएगी इतने सारे सोने के अंडे। डर के मारे गिर पड़ी वहीं पर मुर्गी बेचारी और दे नहीं पाई एक भी अंडा। अगले दिन भोर में सोने के अंडे की खोज में फिर आता है गोपाल मुर्गी के पास। जब नहीं दिखता एक भी सोने का अंडा, तब गोपाल गुस्से से हो जाता है एकदम आग बबूला। तेरी इतनी हिम्मत, कहा था ना मुझे अंडे चाहिए, रुक आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुर्गी के पास आता है, कुछ बिना सोचे समझे पेट काट देता है मुर्गी का और उसे मार देता है। इन सब के बाद अचानक ही गोपाल की अकल ठिकाने आती है। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया, इतना लालच ना करता तो एक एक अंडा रोज तो मिल ही जाता, अब मैं क्या करूं। ये कहकर गोपाल नाहक ही रोता रहा। हाय रे हाय, कैसी फूटी किस्मत है। टॉम, आंटी दो दिन के लिए बाहर जा रही हैं। इस मौके का सही फायदा उठाकर हमें हमारे पिकनिक को अंजाम देना चाहिए। अच्छा ही हुआ, बहुत दिनों से कुछ अच्छी तरह से खाना पीना नहीं हो पाया है, क्या कहते हो मेरे दोस्त? ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। सुनो पुसी, दो दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद किसी भी तरह की शैतानी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ गई? ये बात लूसी को बोल देना। अरे लूसी, आंटी के आने तक सावधान रहना, कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ
ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, चुपचाप यहाँ से जल्दी निकल लो, समझ गए? जल्दी। क्यों? मैं क्यों यहाँ से जाऊँ? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आराम करूँगा। चलो, राहत मिली, बहुत बढ़िया। ये सही समय है, अभी टॉम को फोन करके जल्दी से यहाँ बुला लेता हूँ। हेलो टॉम। टॉम, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ टॉम, तुम शाम को आ जाना, ठीक है? बड़े मजे से खाना पीना होगा, बहुत मजे से, याद से आ जाना, सुन रहे हो? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है, मुझे भगा कर खुद सारे खाना ऐश से खा रहे हो, क्यों? जब देख ही लिया है तो बिना देर किए काम पर लग जाओ, चलो जल्दी। सुना तुमने? काम पर लग जाओ मतलब? भाई, हमने जो खाया पिया है इसके बाद किसी को प्लेट भी तो धोनी पड़ेगी ना। सिंपल, वेरी सिंपल। लूसी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। सोच सकते हो कितना बड़ा कांड किया है, आंटी के जाने पर सारा खाना चट कर गए, जब आंटी वापिस आएगी तो सारा इल्जाम लगेगा मुझ पर। इसका कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। अरे क्या पका रहे हो, कुछ भी करो पर कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो तुम? अब तक तो कुछ नहीं सोचा है, पर सोचने के बाद जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। पुशी, मछली मेरे पेट के अंदर है और ये काटा मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अब क्या करोगे पुसी? एक उपाय है, पर है थोड़ा सा रिस्की। क्या? बताओ। तो सुनो, उस बगीचे में जो पेड़ है उसमें एक भंवरों का छत्ता है, वो मैं और तुम राख लगाकर मशाल लेकर उसके ऊपर चढ़कर उतार लाएंगे। उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे, वो लोग रात में जब छुप छुप कर फ्रिज खोलेंगे और तभी, समझ रहे हो ना तुम, तभी हो जाएगा एक बहुत भयंकर। अरे तेरी तो गजब। अरे टॉम, एकदम ध्यान से सोचो कि सब सो रहे हैं, समझ गए? अब वो भुनी हुई मछली हमें खानी है, एकदम ध्यान से। चलो चलो भाई। अरे अरे रे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे रे 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 रे, अरे ये खा गई मुझे, अरे मम्मी, अरे रे 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 रे, ए ए, अरे इनको भगाओ, अरे इनको भगाओ, अरे बचाओ, अरे 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 बचाओ 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 बचाओ, अरे मुझे छुड़वाओ, अरे मुझे छुड़वाओ, अरे कोई तो रोको, ओ मम्मी, अरे काट लिया, अरे जल रहा है। ये भंवरे पहले तुम्हें काट ले, फिर मैं तुम लोगों को अच्छे से काटूंगी। अरे जा 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 जा, अरे बाबा खा गए, अरे भागो, अरे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बचाओ मुझे कोई, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मम्मी, अरे मम्मी। क्यों जी, अभी तक बैठ के आप तंबाकू पी रहे हैं? क्यों, क्या करूँगा? क्या जी, आज पूजा है ना, मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए, तो फिर क्या नहीं जाइएगा क्या, बताइए। उफ, राज्य कार्य समाप्त कर अभी तंबाकू पीने बैठा था, यह लो अब पत्नी के साथ शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, यह मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं जाइएगा मंदिर? हाँ हाँ, क्यों जाइएगा आप मंदिर, बच्चे तो सिर्फ मेरे ही है, आपके नहीं, तो जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, आप सिर्फ बैठ के घर में तंबाकू पीजिए,
यह लो, घर में रोना धोना शुरू हो गया। अच्छा 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 अच्छा, मत रो मत रो मत रो, चलता हूँ, चलो 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 चलो। बतासी आ जल्दी। हाँ माँ, आ रही हूँ। चलिए माँ, मैं तैयार हूँ। अरे कितना भीड़ है मंदिर में, सब कतार में खड़े हैं। इतना भीड़ देख के लग रहा है कि मंदिर में पूजा करने में पूरा शाम हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, सुबह से उपवास हैं। ओहो, अब समझा तुम लोगों को भूख लगी है। आप ठीक बोल रहे हैं, भूख लगा है। आप तो राजा के बहुत ही प्रिय हैं, तो फिर कुछ कीजिए ना, ताकि हम लोग जाके मंदिर में जल्दी से पूजा कर ले। जाइए ना। ठीक है, आओ मेरे साथ, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। गोपाल, अरे गोपाल, रुको रुको, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? क्यों, मंदिर में? साथ में वह कौन है? कौन है? मेरी पत्नी है, साथ में मेरी दासी बतासी है। राजा के साथ रहते रहते लगता है तुम नीचे देखना ही भूल गए हो। घुमा फिरा के बातें ना करके साफ साफ बोलिए, क्या बात है? तुम्हारे साथ में जो कुत्ता है, क्या वह तुम्हारा पालतू है? दूर दूर गले के कुत्ते, भागो यहाँ से। है, 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 भागो भागो, दूर दूर, अजीब कुत्ता है, खदरने से भी नहीं जाता है। अरे भाई, तुम जितना भी क्यों ना छुपाओ, मैं सब समझ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या समझे मेरे भाई? यह जो कुत्ता है पालतू है, अच्छा है अच्छा है। तुम कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गाय बकरी, हाथी घोड़ा, यहाँ तक कि बाघ भी पालो। अरे भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, जीव जंतु नहीं पालोगे तो और क्या करोगे? किंतु इसका क्या मतलब, कुत्ता लेकर मंदिर में आओगे? ठीक है ठीक है, तुम ब्राह्मण नहीं, मान लिया तुम नाई हो, किंतु हिंदू तो जरूर हो। इतना भी नहीं जानते कि कुत्ता लेकर मंदिर में नहीं आना चाहिए, उससे मंदिर अपवित्र होता है। क्या आश्चर्य है, बोला तो, यह कुत्ता मेरा नहीं है। कुत्ता तुम्हारा नहीं है? ना। तुम्हारा अगर नहीं है तो तुम्हें देखकर अपनी पूंछ क्यों हिला रहा है? कुत्ता जब तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है तो इसका मतलब तुम ही उसके मालिक हो। अतः मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुम अपने कुत्ते को मना करो, वह तुम्हारे साथ मंदिर न जाए। ओ, मैं तो देखता हूँ कि आप कुत्ते के पीछे पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब यह कुत्ता आपका मालिक है। तो पंडित जी, आप मेरी ओर ध्यान ना देकर अपने स्वामी को पहले क्यों नहीं संभाल रहे हैं? हाँ, चलो लक्ष्मी, चलो चलो रे बतासी, फालतू बातों में बहुत समय बीता, चलो चलो चलो। अरे इतनी बड़ी बात, कुत्ता मेरा स्वामी है, इसका मतलब मैं कुत्ते से भी अधम हूँ। ठीक है, मैं इसी समय महाराज के पास शिकायत लेकर जाता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपके इस बात का मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं हो, आप मेरे साथ मंदिर चलिए, अगर विश्वास ना हो तो आप मंदिर में जाकर सबसे पूछिए। सुनिए सुनिए महाराज, यह सब आप ही के कारण हुआ है। आप प्रत्येक कार्य के लिए केवल गोपाल गोपाल करते हैं, इसी का लाभ उठाकर गोपाल पूरे राज्य में जोर शोर करते रहता है और आपको पता ही नहीं चलता। गोपाल के कारण अगर जनता द्वारा कोई विद्रोह शुरू हो जाए तो हम लोगों को मत कहिएगा, समझ गए महाराज? यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई सेनापति। जो आज्ञा महाराज। इसी क्षण गोपाल को बंदी बनाकर लाओ। जो आज्ञा हो महाराज। सच में रानी माँ, आप इतनी सुंदर दिख रही है ना कि आपके ऊपर से नजर हटी नहीं रही है। ठीक है, बकवास बाद में करना, पहले मेरे बाल बांध दो। क्या रानी माँ, कैसी बात कर रही है? रेशमी साड़ी पहनी है, गले में सोने की हार, हाथों में सोने की कंगन, इतनी सुंदर लग रही है सब गहनों में, और बोल रही है बाल बांधो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके बालों में गजरा लगा देते हैं। ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वही कर, पर ये याद रखना कि कृष्णनगर की रानी के सामने मैं छोटी ना हो जाऊं। ओ, आप छोटी क्यों लगेंगी, आप तो धन दौलत खूबसूरती से अपना सर गर्व से उठा लीजिएगा। रानी माँ,
कृष्णनगर की रानी माँ आपसे मिलने आई है। अरे वो आ गई है। सीमा तुम जाओ उनको सम्मान के साथ लेके आओ अंदर। चंदा, ओ चंदा, आ रहे हैं रानी माँ। आदेश कीजिए रानी माँ। हाथ में गुलाब जल लेके द्वार पे खड़ी रहो, रानी माँ आएंगी तो छिड़कना उनके ऊपर। जैसे आपकी आज्ञा रानी माँ। आइए आइए रानी माँ आइए। अरे अरे रुको रुको, ये क्या छीट रही हो? क्या हुआ क्या हुआ? ये तो गुलाब जल है, ताजे ताजे गुलाब जल है, समझी सखी? गुलाब जल, गुलाब जल इतना गंदा बदबू क्यों दे रहा है? गंदा सुगंध, सड़क गला बदबू दे रहा है ना? नहीं मेरा मतलब, हाँ वो क्या है ना, बहुत दिन का इत्र है ना, इसीलिए ऐसे गंध दे रहा है। हम लोगों के देश में एक इत्र बनाने वाला एक इंसान है, सच में बहुत ही आश्चर्य वाली इत्र बनाता है। जितना पुराना होगा उसका उतना ही सुगंध बढ़ेगा। हाँ ऐसा है क्या सखी? वो कैसे गुलाब का रहता है इत्र? गुलाब? ये क्या गुलाब? नहीं, गुलाब का इत्र तो सभी बनाते हैं, पर हम लोग के देश में घास फूल का बनता है इत्र। घास फूल का इत्र क्यों नहीं हो सकता बहन? जिस फूल का इतना सुंदर गंध, सोचो उसके इत्र का कितना सुंदर गंध होगा। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है हो सकता है। चलो चलो हम लोग बगान में चलते हैं। चलो फिर। देखो सखी, बड़ा ही चिंता हो रहा है। क्या चिंता हो रहा है? संदूक में गहना और हीरा ऐसी रखा हुआ था यहाँ पे, आने की जल्दबाजी में संदूक में ताला लगाना ही भूल गई। ओ मुझे भी एक बात याद आ गई तुम्हारी बात से। कैसी बात बहन? ये देखो हीरे बैठाया हुआ सोने की हार, कैसा है बताओ तो? ओह ठीक ठाक है। इतना बड़ा हीरा कोई आँख से देखा है क्या कभी? हाँ सखी, हीरा ही है ना कि कुछ और है? क्योंकि क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं क्योंकि थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। कितने तोले का है? 70 तोले का। मेरे पति एक हीरे का 140 तोले का हार बना दिए थे, ठीक इतना बड़ा। और हाँ एक कितना आश्चर्य हीरे वाला था, जिस घर में उन दोनों हीरो को रख देते थे उस घर में कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाप रे बाप, हीरे का इतनी रोशनी। हाँ हाँ और नहीं तो क्या, बोल क्या रही हूँ मैं? उमा ना आश्चर्य है तुम तो, क्या ये क्या पहनी हो तुम? ऐसा कंगन तो मेरे घर के दासियाँ पहनती हैं हम लोग के राजमहल के। ओ प्रणाम महाराज, गोपाल को बंदी बनाकर ले आया महाराज। गोपाल तुम क्या इस ब्राह्मण को कुत्ते से भी नीच बोले हो? छी छी महाराज, क्या मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ? हाँ क्या मैं अभी झूठी बात कह रहा हूँ? वास्तव में क्या घटना घटी थी पंडित जी? आज दोपहर में गोपाल अपनी पत्नी और दासी को लेकर मंदिर गया था। कुत्ता जब तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है तो इसका मतलब तुम उसके स्वामी हो। ओ, मैं तो देख रहा हूँ आप कुत्ते के पीछे पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब आपके कथनानुसार कुत्ता आपका स्वामी है। गोपाल यह बात क्या सत्य है? जी महाराज सत्य है। इसी क्षण तुम राज्यसभा से बाहर निकल जाओ। जो आज्ञा महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गोपाल को कैसे बेवकूफ बनाया बोलो तो? अरे मैं तो जानता हूँ हमारे महाराज बहुत ही डरपोक हैं, इसीलिए राजद्रोह की बात सुनकर बस अब तो दोनों हाथों में लड्डू है। इसका मतलब आज से गोपाल का राज्यसभा में आना एकदम बंद हो गया। इसके बाद अब जो भी पुरस्कार मिलेगा हम पाएंगे। यह तो बहुत खुशी की खबर है भाई। चलो चलो अब घर वापस चलते हैं। हाँ, 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 चलो चलो। क्या बात है रानी, इतना चुपचाप, मुंह कैसा भारी भारी लग रहा है? आपके सहेली की सेवा में कुछ कमी हुई क्या? ना। तो ओहो सहेली की विदाई के समय नहीं आया इसलिए क्रोध? वो भी नहीं। तो फिर क्या कारण है?
स्पष्ट कहिए तो मैं सुनूं। सखी के राज्य में सब कुछ आश्चर्य वाली वस्तु है, आश्चर्य वाले इत्र, आश्चर्य वाले हीरा और बहुत कुछ। ऐसा है क्या? क्या हम लोगों के राज्य में कोई आश्चर्यजनक वस्तु है? नहीं है तो क्या है, जरा सुनूं। मैं मतलब इतने बड़े राज्य की रानी हूँ मैं, और मैं ही दासियों जैसा कंगन। दासियों का कंगन? अच्छी तरह नहीं समझ पाया, स्पष्ट बात बताइएगा हमें। आज सुबह ना सखी आई थी तो बोल रही थी, दिख रहा है कितने तोले का है, 70 तोले का। मेरे पति एक हीरे का 140 तोले का हार बना देते, ठीक इतना बड़ा। और हाँ, एक कितना आश्चर्य हीरे वाला था जिस घर में उन दोनों हीरो को तब तो बड़े शर्म की कुछ बात भी हो जाए, इस शर्मिंदे से मुझे बचाइए, मैं आपकी स्त्री हूँ, मुझे बचाइए। ठीक है, इस संबंध में कल ही मैं राज्यसभा के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर कोई उपाय निकालूंगा। यही बात है, इसके बाद अब आप लोग ही बताएं, मैं अभी क्या करूं, किस प्रकार से अपने राज्य और अपने रानी के सम्मान की रक्षा करूंगा। महाराज, हम लोगों के वैद्य जी के पास एक आश्चर्यजनक मलहम है, यही दिखाइए ना। आश्चर्यजनक मलहम? वो क्या है? महाराज, उस मलहम के लगाने से शरीर की पीड़ा और सारी वेदना तुरंत दूर हो जाती है। अरे छोड़ो तो, मगध की रानी 70 वर्ष की वृद्धा है ना क्या? रानी क्या पीड़ा के कारण बिस्तर पर सोई पड़ी है? वह क्या इतनी पीड़ित है कि उनके रोग निवारण के लिए हम लोगों को यहाँ से विचित्र मलहम भेजना होगा? तो मोती की हंसी दंत मंजन। मगध की रानी हमेशा पान खाती है क्या? और पान खाने के कारण ही उनके दांत इमली के बीज जैसे हो गए हैं। क्या आप लोग जानते हैं, वह मंजन इस्तेमाल करने से उनके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। महाराज, ये लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। इन लोगों के द्वारा ना तो कोई काम हुआ है और ना तो कभी होगा। आप गोपाल को बुलाइए, हो सके वह इस समस्या का कोई समाधान बताए। लेकिन उसके सभा में आने से प्रजा के द्वारा कोई विद्रोह हुआ तो? वह अगर इस राज्य और रानी माँ के सम्मान की रक्षा करे तो प्रजा के विद्रोह को भी शांत कर सकता है। ठीक है कवि श्रेष्ठ, जो इच्छा। सेनापति, विदूषक गोपाल को सह सम्मान राज्य सभा में ले आओ। जो आ गया कवि श्रेष्ठ। यह बात है, इस समस्या का समाधान तो बिल्कुल ही सरल है महाराज। तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई गोपाल, तब तो तुम्हारी रानी माँ मगध की रानी को आगामी पूर्णिमा को आने के लिए आमंत्रित करेंगी। क्या हुआ सखी, तुम्हारे राज्य के आश्चर्य वाली व्यक्ति, आश्चर्य वाली वस्तु कहाँ है, आ रहा है? अरे छोड़ो तो नाई भाई, वह आएगा कैसे, उसकी हालत ऐसी है कि महाराज की खुशामद किए बिना उसके घर हाड़ी नहीं चढ़ती। फिर उसके पास ऐसी आश्चर्य वस्तु है कि जिसके सामने दिल्ली के सुल्तान की संपत्ति भी तुच्छ है। महाराज, आप यही सुनकर दंग रह गए। ओह चुप रहो। प्रणाम महाराज। ओह इतनी देर क्यों, तुम्हारे लिए अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलिए चलिए। महारानी, राजा जी आ रहे हैं। ओ रहे, आ गए हैं। रानी देखिए ये आ गए। देखिए सखी, यही है आश्चर्य वाली व्यक्ति, मनुष्य जैसा ही तो देखने में है, तो आश्चर्य की क्या बात है, आश्चर्य इसका दिमाग है। नाम गोपाल, महाराज कृष्ण चंद्र का विदूषक हूँ। तो आश्चर्य वाली वस्तु का
बहुत समय पहले ढक्कन से बंद यह पात्र एक सन्यासी ने मेरे पिताजी को दिया था। पात्र खोलते ही आपको इसमें एक भस्म दर्पण दिखेगा। उस समय आप जिसे भी याद करेंगी उसे इस दर्पण में देख पाएंगी। जरा दिखाओ। कहाँ? कुछ तो नहीं दिख रहा इसमें। देखेंगी, जरूर देखेंगी। अच्छी तरह देखिए, अवश्य देख पाएंगी। लेकिन जो झूठे और ईर्ष्यालु हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो क्या रानी माँ, अब आप कुछ देख पा रही हैं या नहीं? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। ओ रहे महाराज, खाना खाने बैठे हैं और साथ में पुत्र भी है। अरे बाप, पुत्र तो? तो फिर बताइए रानी माँ, आश्चर्य वस्तु है कि नहीं? हाँ, बहुत ही आश्चर्य वाली वस्तु है। आश्चर्य वाली लोक का आश्चर्य वाली वस्तु। लो अपना पात्र। अच्छा ठीक है, देख ली। चलो अब कुछ खा पी लेते हैं। हाँ चलो चल। तो गोपाल, उस बर्तन में क्या है? भात के माड़ में गाय का गोबर मिला है महाराज। देखिए तो, फिर भी वह कितनी आश्चर्य वस्तु है। कैसे? वाह, इस भस्म दर्पण में रानी अगर किसी को नहीं देख पाती तो वह मिथ्यावादी और ईर्ष्यालु कहीं जाती। इसलिए अपनी मर्यादा बचाने के लिए सैकड़ों योजन दूर बैठे महाराज और युवराज को इस भस्म दर्पण में देखने की बात स्वीकार की। तो आप ही बताइए, दूर की चीजों को निकट में देखना या बिना आश्चर्य वस्तु के संभव है? इसका मतलब गोबर के माध्यम से लोगों को ठगा गया है। अरे छोड़ो तो, अपनी ठीक बैठीक बात। घास के फूल से अगर इत्र तैयार हो सकता है तो गोबर भी भस्म दर्पण हो सकता है, जिसमें दूर की वस्तुएं पल भर में प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी। क्या महाराज, यह ठीक बात है ना? बिरजू, हमारा पोस्ट ऑफिस बहुत ही सुंदर बना है ना? हाँ सच में बुंदा। ले बिरजू फटाफट कर। ठीक है बुंदा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर रहा हूँ मैं। बुंदा, कोई आया है तुझसे मिलने? आ, हट मेरे पैर के ऊपर से। ये क्या हंदा, ऐसा कोई पैर पे कूदता है? हा? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है, है? क्या हुआ हंदा? डाक घर घूमते घूमते तेरा हालत क्या हो गया है? इसीलिए लेटर बॉक्स को तेरे पास ला दिया हूँ मैं। ये ले। हंदा, इसको निकाल कह रहा हूँ। अब मैं कुछ लेटर इस लेटर बॉक्स में डालता हूँ। दम घुट गया, जल्दी से निकालो, बोल रहा हूँ। अंदर क्या कर रहा है तू? अब यहाँ का पोस्टमैन मैं हूँ। आप क्या कहीं लेटर भेजेंगे? नहीं नहीं, मैं लेटर नहीं भेजूंगा। कोई बात नहीं है अंदर, तू लेटर नहीं भेजेगा तो क्या हुआ, मैं तुझे ही भेज दे रहा हूँ। नहीं नहीं हंदा, तू ये क्या कर रहा है? तूने ठीक नहीं कर रहा है हंदा, बोल रहा हूँ छोड़, तू ऐसा क्यों कर रहा है हंदा? तू रुक जा, मत कर ऐसा। तू इस मोहर के साथ बाहर देश जाकर वापिस लौट आएगा। मैं मर गया। तू क्या किया? ये बात फूफा जी को मत बताना। पहले मैं अपना मुंह साफ कर लेता हूँ, फिर तुझे मैं मजा चखाता हूँ। आप जिस प्रतियोगिता में नाम दिए थे उसका क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, यही तीसरे नंबर पे आया हूँ मैं। ये तो बहुत खुशखबरी है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। तो चेक कब पाएंगे आप? कहे है कल सुबह तक चेक आ जाएगा, देखो क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब कल फूफा जी को कल चेक मिलेगा। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। अह
अब मैं इस लेटर बॉक्स में डालता हूँ। कैसा लेटर डल रहा है बुंदा तू? तो कल हम लोग के साथ जो सलूक किया था, हमारा लेटर बॉक्स तोड़ दिया था, और मेरे साथ तू जो शैतानी किया था वो सारा मैं लेटर में लिख कर फूफा जी के पास भेज रहा हूँ। ये क्या कह रहा है तू? ये लेटर मुझे दे दे बुंदा। ये क्या, अब मैं ये लेटर तुझे कैसे दूँ? ये तो मैं लेटर बॉक्स में डाल दिया हूँ, कल पीएम फूफा जी के पास लेटर पहुँचा देगा, तू जाकर फूफा जी से ले लेना। अब मैं क्या करूँ, फूफा जी को अगर पता चल गया तो वो तो पीट पीट कर मेरा हड्डी पसली एक कर देंगे। अंदा, अब मैं तुझे अच्छी तरह से फंसा दिया हूँ। शायद यही है बुंदा का लेटर। फूफा जी के आने से पहले इस लेटर को मैं छुपा देता हूँ, फूफा जी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सुन, मेरा कोई लेटर आया है? लेटर? नहीं, कोई लेटर तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया? ओए, तू पीछे क्या छुपा के रखा है? नहीं नहीं फूफा जी, कुछ 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 नहीं, यहाँ पे थोड़ा कचरा था, वो ही है मेरे हाथ में। कचरा यहाँ पे? नहीं, क्या है, देखा देखा दिखाओ दिखाओ दिखा मुझे दिखा दिखा। ये क्या ये क्या, ये तो चेक है, ये तो मेरा चेक है। तेरा इतना बड़ा हिम्मत, तू मेरा चेक फाड़ दिया? नहीं नहीं फूफा जी, नहीं नहीं, भागो भागो यहाँ से, भागो भागो। मेरा चेक बर्बाद कर देगी ये शैतान, मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। शैतान लड़का, रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। सच में बोल रहा हूँ, मुझसे गलती हो गया, भागो भागो। पता है बिरजू, मैं एक झूठा लेटर डाला था, उसे हंद किस्मत परेशान हो गया है और उसे अच्छा सबक मिला है। चल हम नया लेटर बॉक्स बनाते हैं, वह गब्बू दोबारा नहीं आएगा।